हेलो फ्रेंड्स, मैं अदिति। आज मैं बनाने वाली हूँ ऑमलेट सैंडविच, जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है और बड़ों का भी उतना ही फेवरेट है। और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट बनने वाली ऑमलेट सैंडविच। तो चलिए आप सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। प्याज, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया। अब इनमें डाले हुए इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इनमें डालेंगे दो अंडे, अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारा ऑमलेट मिक्सचर रेडी है। तो ब्रेड स्लाइस ले लेते हैं, उनमें से एक ब्रेड पर हमें चीज स्प्रेड करना है। आप यहाँ पे चीज स्लाइस यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्यूब्स अवेलेबल थी तो मैंने उसे स्प्रेड किया है। अब इन पे हम थोड़ा सा लाल मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब दूसरी स्लाइस को उस पे रख देंगे। तो अब इन स्लाइस को हम पैन पे टोस्ट कर लेंगे। इनमें आप बटर या घी का यूज कर सकते हैं। इन्हें दोनों बाजू से अच्छे से टोस्ट करना है। तो चलिए दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है इनमें। अभी अच्छे से टोस्ट हो चुका है। अभी इन्हें हम साइड पे रख देंगे। अब एक पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करना है और हमने जो ऑमलेट मिक्सचर रेडी किया है वो उनमें डाल देना है। ऑमलेट को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दिया है हमने। अब रेडी किया हुआ ब्रेड टोस्ट ऑमलेट पे रख देना है। अब ऑमलेट भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हमें एक बाजू से इन्हें ब्रेड टोस्ट के ऊपर प्लेस करना है और हल्के से इन्हें दूसरी बाजू टर्न करना है। थोड़ा संभाल के टर्न करना पड़ेगा। अब टर्न कर लिया है हमने। अभी उसे दूसरी बाजू अच्छे से पकाना है। थोड़ा प्रेस करते रहना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमारा ब्रेड सैंडविच रेडी है। अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो चलिए अभी इन्हें हम कट करके देखते हैं। इन्हें आप ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं, बीच में से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए वाव, बहुत ही बढ़िया बना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इन्हें जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।